एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और देख सकते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है और 2 बज गया है, तो दर्शित आने में और आधा घंटा है, स्कूल गया है। तो अभी मुझे दर्शित के लिए खिचड़ी बनाना है, तो चलिए गाइस मैं खिचड़ी फटाफट से बनाती हूँ। और मैं भी खिचड़ी खाने वाली हूँ आज। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी और दर्शित गया है स्कूल, तो मैं घर पे अकेली हूँ। सब काम करके ख़त्म किया है, तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं हमारा आज का लंच। लंच में होगा खिचड़ी। तो देखते रहिए वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जी क्या बोलूँ, और मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं, मतलब उन लोगों को मेरे चैनल के नीचे साइड पे रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो बटन क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर देना है। तो मेरे चैनल में ऐसे ही ब्लॉग आने वाले हैं। तो चलेगा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगे। और मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। तो चलिए आज मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ एकदम सिंपल सा, तो आप लोगों को भी दिखाते चलिए। और गाइस मैंने लिया है यहाँ पे एक आलू और एक टमाटर और एक प्याज, और इसको मैं अच्छे से काट लूँगी। धोके लाई हूँ अभी, और इसको मैं काट के खिचड़ी में डालने वाली हूँ। तो पहले मैं बनाऊँगी ये टमाटो अच्छे से, मतलब पकाऊँगी और उसके बाद ही ये सब डाल के बनाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए, मैं फटाफट से काट लूँगी। और ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे आलू, प्याज, टोमेटो और एक चिली थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिक्स करके बना लिया है। और थोड़ी देर मैंने यहाँ पे ढक के पका दिया था, और ये देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसके ऊपर मैं अभी दूंगी, मैंने दाल और चावल धो के रखा था, तो इसको भी डाल दूंगी ऊपर। और इसको डालने के बाद मैं उसको उस पानी डाल के फिर उसको पकने देती हूँ 2-3 सीटी लगा के, फिर हो जाएगा हमारा आज का खिचड़ी। मैंने यहाँ पे रख दिया है खिचड़ी होने के लिए, और मैं अभी जाऊँगी रूम में। बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे, बहुत गर्मी है आज। और यहाँ पे मैंने पूरा कपड़ा कर दिया है, मतलब सूख गया है आज, बहुत सारा कपड़ा धोया था। और अभी भी है बाकी बाहर, मेरे फ्रेंड हमारे मतलब घर के फ्रेंड साइड में भी कपड़ा लगाया है, और यहाँ पे पूरा सूख गया है और मैं पसीना पसीना हो गई। तो अभी थोड़ी रेस्ट करूँगी, और उसके बाद बाबू आने का टाइम भी हो गया है, टाइम हो गया है, मतलब है अभी भी है टाइम, तो आएगा। और मैं भी दर्शित, हम दोनों खिचड़ी खाएंगे। दर्शित आ गया है गाइस, और ये रहा हमारा दर्शित, इधर आ, ये रहा हमारा दर्शित, पूरा पसीना पसीना हो गया है आज, गर्मी से पसीना पसीना हो गया है। और अभी ड्रेस चेंज करके क्या खाएगा आज, खिचड़ी बनाया दर्शित, खिचड़ी। ये देखिए खिचड़ी बोले से क्या करता, बहुत पसंद करता है, बहुत अच्छा लगता है खिचड़ा। मन जला बना बाबरे जला आसे पूरा जला 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 ओ मेरे जला जला गिरा देगा बच्चा। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा खिचड़ी हो गया है रेडी, और यहाँ पे दर्शित भी अटैक कर रहा है, दर्शित नहीं देख रहा है, मेरा मोबाइल चाहिए होता है उसको खाना खाने के टाइम में। तो दर्शित का फेवरेट बन गया है खिचड़ी, खिचड़ी नहीं खिचड़ी। तो गाइस हम नीचे है बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुकर पे और भी है, जितना खाना बन जाए उतना खा सकते ना बाबू। तो
गाइस अभी हम खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किए और उसके बाद अभी उठ गए हैं, मतलब मोबाइल देख रहे थे थोड़ी देर दोनों, दर्शित और मैं। होमवर्क भी किया दर्शित ने थोड़ा सा और थोड़ा बाकी है, फिर ट्यूशन के आने के बाद वो होमवर्क करेगा। और अभी बाहर कुछ खेल रहा है दर्शित, पता नहीं क्या खेल रहा है, तो आप लोगों को दिखाऊँ क्या खेल रहा है। और ये देखिए दर्शित कुछ कर रहा है, की भी चाहिए चला, कुछ ढूंढ रहा है दर्शित, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। अच्छा गाइस अभी दर्शित का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और अभी रेडी होगा दर्शित, और वो क्या क्या चीज़ डाल रहा है उसका ट्यूशन के लिए, बंद कर, और ये बंद करके रख दो, और अभी रेडी होना है तो फटाफट से रेडी कर दो, चलो आ। अभी दर्शित जा रहा है ट्यूशन, पेंसिल सेंसिल आसे ना रबर तादे आसे एटु लिखे आबे एको ना जो रखा 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 गाइस जो फटाफट जो लो मा जुआ जुआ मैं अभी पूरा डिनर की रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे चावल चढ़ा दी है और यहाँ पे दाल और सब्जी बनाऊंगी बंधक गोभी के, तो आलू और गोभी मिक्स करके बनाऊंगी। और पापा गए हैं ऑफिस, उन लोगों का ऑफिस में कुछ वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मीटिंग है। और दर्शित गया है ट्यूशन, तो दर्शित का आने का टाइम है सिर्फ अभी आधा घंटा टाइम बचा है, तो वो भी आ जाएगा। और मैं दर्शित आने से पहले खाना बना के रेडी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका होमवर्क भी करवाना है और थोड़ा सा, और वो ट्यूशन का थोड़ा पढ़ाना भी है, स्कूल का पढ़ाना भी है, तो इसलिए जल्दी से मैं बना के रेडी कर दूँगी और उसके आने के बाद फिर उसको पढ़ाऊँगे। गाइस यहाँ पे पापा लाए हैं कुछ गरम गरम पकौड़ा, और ये है चिकन पकौड़ा है, ये रहा गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा, ये देख सकते हैं कितना मस्त है, वाह मुंह में पानी आ गया है। और बाबा दो प्लेट आन ला, और यहाँ पे प्याज और क्या खीरा भी दिया है, और यहाँ पे चटनी भी दिया है, और इसको मिक्स करके खाएंगे आज मस्त तरीके से, मस्त। काला नमक भी दिया है, काला नमक, और इसको हम यहाँ पे मिक्स करके खाएंगे, बाबू के लिए रख देंगे, थोड़ देंगे। और गाइस मेरा यहाँ पे बन रहा है सब्जी, गोभी का सब्जी, आलू नहीं दिया है मैंने सिर्फ गोभी का सब्जी, और यहाँ पे दाल हो गया है, और यहाँ पे चावल हो गया है। मॉर्निंग गाइस, आज नेक्स्ट डे है और कल से मैं वीडियो एंड नहीं कर पा रही हूँ, क्या है कल थोड़ा काम आ गया था और दर्शित को पढ़ाना भी है, खाना पीना बना के फिर मैं दर्शित को पढ़ाने लगी और उसको सुलाट सुलट बहुत टाइम हो गया, तो आज सुबह फिर मैं अभी काम कर गई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ, और दर्शित गए स्कूल और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, तो मैं अकेले अकेले हूँ यहाँ पर। और अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ये जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।